हेलो बेटा, वेलकम इन 11th क्लास फिजिक्स। स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीट द चैप्टर फर्स्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द यूनिट, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है और चैप्टर भी है, दैट इज फ्रिक्शन एंड इट्स डायनेमिक्स। बेटा, फ्रिक्शन और उसके डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे आज हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। शॉर्ट क्लासेज में आपने पता भी है कि फ्रिक्शन होता क्या है। बेटा, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वुड कंटिन्यू टू डू अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए भाई, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वी फाइंड थिंग अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा भी होगा, मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, ए बॉल रोलिंग ओवर द फ्लोर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बेटा क्या करो, कोई बॉल आपके पास, आप उसको किसी फ्लोर के ऊपर रोल कर दो तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही क्या कर जाती है बेटा, रुक जाती है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, सेकेंड है बेटा, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाईसाइकल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। तो बेटा, अगर आप साइकिल पे हो और अगर आप क्या करते हो, तो पैडलिंग रोक स्टॉप करते हो, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाईसाइकिल, तो क्या होगा बेटा, बाईसाइकिल क्या हो करेगा बेटा, रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस बेटा। ओके, सिमिलरली बेटा अगर बात करें, व्हेन वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द आवर कार, अगर हमारी कार का इंजन को हम स्विच ऑफ कर दें तो बेटा क्या होगा, व्हाट हैपन्स, इट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या कर जाएगी, ये रुक जाएगी। तो बेटा, ऑल दीज एग्जाम्पल शो दैट देर इज सम फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। तो बेटा यहाँ से, इन एग्जाम्पल से क्या क्लियर हो जाता है, इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है बेटा कि कोई ना कोई फोर्स है जो इन बॉडी को रोक देता है थोड़े टाइम के बाद। जैसे कोई बॉल किसी फ्लोर पे रोल कर रही थी तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। कोई बाईसाइकिल की अगर हम पैडलिंग रोक दें, वो थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है। अगर किसी कार का इंजन को बंद कर दे तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। तो बेटा इसका मतलब देयर इज समथिंग, कोई फोर्स है बेटा जो मोशन का अपोज कर रही है, और दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड बेटा फ्रिक्शन। तो जो भी फोर्स उन मोशन का अपोज करती है, ठीक है बेटा, उस अपोजिंग फोर्स को, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो बेटा उस अपोजिंग फोर्स का नाम क्या भाई, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन भी क्या बेटा, एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी क्या एक फोर्स है। और फ्रिक्शन का काम क्या बेटा, बॉडी की मोशन का अपोज करना, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई ब्लॉक आपका, लेट दिस इज योर ब्लॉक, ओके, व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक बट फोर्स इज स्मॉल, देन व्हाट हैपन्स, इट डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव। बेटा अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर, मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है आपका, अगर इस ब्लॉक के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई कर देते हो तो व्हाट हैपन्स, दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, ये ब्लॉक मूव नहीं करता। व्हाट हैपन्स कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स किससे बैलेंस हो गई बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स से अब बैलेंस हो गई है। फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई है इस कंडीशन में। तो अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, बट या यू कैन से दैट जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन
वन बॉडी ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। बेटा देखो यहाँ पे तो बॉडी क्या रेस्ट में है, और जैसे ही आप फोर्स अप्लाई कर देते हो तो बॉडी बैलेंस हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स से। तो बेटा देखा जाए एक्चुअल में बॉडी रेस्ट में थी तभी फ्रिक्शन आया। बट ये कहता है कि अगर कोई अनदर बॉडी एक बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, व्हेन बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, बट फिट ऑफ फ्रिक्शन तब भी आता है, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी एक बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही हो, तो बेटा देर इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपली वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। बेटा ये अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, दैट कम्स इनटू प्ले, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो बेटा देखिए सिंपल क्या कह रहा है ये, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है या ट्राइज टू मूव या मूव करने की ट्राई कोशिश करती है बेटा, उस टाइम ये फोर्स कम्स इन टू प्ले। बट ये क्या करेगा भाई, अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा, ठीक है बेटा। तो जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या ट्राइज टू मूव करती है बेटा, उस टाइम ये फोर्स कम्स इन टू प्ले, और बेटा इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे मैं कहता हूँ कि बॉडी लीजिए बेटा, ये कोई सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है बेटा, अगर इसके ऊपर आपने फोर्स इधर अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई किया है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स का हमेशा क्या करता है बेटा, अपोज करता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स That develops at the surface of contact of the two body। बेटा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर आएगा लगता है बेटा, मान लीजिए देखो ये आपका ब्लॉक था ना, और ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो बेटा इन कॉन्टैक्ट सरफेस के लोंग लगता है, जहाँ पे भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट करेंगी वहीं पे फ्रिक्शन डिवेल्प हो जाएगा, ये बात आपने नोट करनी है। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वहीं पर होगा बेटा। अब बेटा कुछ डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है उसके बारे में बात कर लीजिए भाई। तो देखो बेटा कुछ तो इसकी ओल्ड व्यू भी हैं और कुछ न्यू व्यू भी हैं अबाउट द फ्रिक्शन। सबसे पहले ओल्ड व्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले क्या माना जाता था फ्रिक्शन के बारे में, व्हाट इज़ द ओल्ड व्यू रिगार्डिंग फ्रिक्शन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द व्यू कि जो रफनेस ऑफ द सरफेस है इज द कोज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये कहता है कि जो सरफेस पे जो रफनेस होती है, रफनेस ऑफ सरफेस इज कोज ऑफ फ्रिक्शन। बड़ा ओल्ड डेफिनेशन में क्या बोला गया, देखो सरफेस है ना टू टाइप्स के होते हैं बेटा, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं बेटा जो क्या होते हैं ऐसे रफ होते हैं रफ, और उसको सरफेस बेटा बिल्कुल प्लेन होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। तो ये पॉलिश सरफेस है, ये रफ सरफेस है। तो कहता है कि सरफेस पे अगर रफनेस होगी वही क्या होगा भाई, फ्रिक्शन का ओरिजिन है बेटा। ओल्ड डेफिनेशन कहती है कि जो रफनेस है सरफेस की वही क्या है, फ्रिक्शन का कारण है भाई। अगर देखा जाए कोई भी स्मूथ सरफेस है ना, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है ना स्मूथ है बिल्कुल, अगर आप इसको नेक्ड आई से देखो तो ये स्मूथ लगेगा, बट अगर हम क्या करें भाई इसको माइक्रोस्कोप से देखें, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें, तो देर आर स्मॉल स्मॉल बेटा यहाँ पे क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी और रफनेस होगी, क्या आएगी इसमें
रफनेस मिलेगी आपको। तो अगर माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं या देखते हैं किसी भी प्लेन सरफेस को, तो बेटा देर आर इरेगुलरिटीज या रफनेस होगी। दिस इज ट्रू फॉर एवरी सरफेस, हर सरफेस के लिए ट्रू है बेटा। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा, व्हेन टू बॉडीज आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द इरेगुलरिटी इन द सरफेस ऑफ वन बॉडी गेट इंटरलॉक्ड इन द इरेगुलरिटी ऑफ द अदर सरफेस। बेटा अगर दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आएंगी तो दोनों बॉडी के सरफेस में इरेगुलरिटी होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी इरेगुलरिटी में भाई क्या लग जाएंगे, लोक लग जाएंगे। ये देख ली, ये इरेगुलरिटी है भाई, ये फर्स्ट बॉडी की इरेगुलरिटी है। कहते हैं सेकंड बॉडी जब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में आती है तो बेटा इस सेकंड बॉडी की ये इरेगुलरिटीज है। तो ये सेकंड बॉडी है, दिस इज द बॉडी मान लीजिए बी और दिस इज द बॉडी ए। तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट बॉडी की इरेगुलरिटीज के साथ दूसरी सेकंड बॉडी क्या कर लेती है, लोक लगा लेती है। क्या लगा लेती है बेटा, लोक, इंटरलॉक्ड। तो क्या बोला गया ये कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो कहता है कि जो इरेगुलरिटी होती है सरफेस के अंदर, दे गेट इंटरलॉक्ड इन द इरेगुलरिटी ऑफ द अदर सरफेस। तो इरेगुलरिटीज के बीच में क्या लग जाता है बेटा, लोक लग जाता है। तो होगा क्या, अगर दो बॉडी के बीच में लोक लग गया तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि बॉडी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करे या मूव करे, तो बेटा उस लोक को तोड़ना पड़ेगा। तो टू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, दिस इंटरलॉक्ड हैव टू बी ब्रोकन। ये जो लोक लगे हुए हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इन इंटरलॉक को ब्रोक करना पड़ेगा। हैंस अगर इनको तोड़ना है तो कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, दिस अप्लाइड फोर्स इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स क्या मेजर करेगा बेटा, फ्रिक्शन को मेजर करेगा। बेटा ये जो ओल्ड डेफिनेशन थी इसकी कुछ है ना, फिर लिमिटेशन आई। लिमिटेशंस क्या थी बेटा, तो ये ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस ग्रेटर शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम। ये डेफिनेशन कहती है कि जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा ना, लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेज ग्रेटर शुड बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा कहता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जितनी ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में दो बॉडी कॉन्टैक्ट करती हैं उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा बेटा। बट एक्सपेरिमेंट में फिर ये गलत पाया गया। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंट शोज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज इन टू कॉन्टैक्ट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। बाद में पाया गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता। ओल्ड डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बट एक्सपेरिमेंट से आया कि एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, सेकंड लिमिटेशन क्या थी इसकी, कहते कि व्हेन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम स्मूथ ऑलवेज ऑलमोस्ट वैनिश। कहते कि व्हेन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम शुड ऑलमोस्ट वैनिश। कहते हैं कि अगर दो सरफेसेस बिल्कुल ही स्मूथ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, बट इट इज़ फाउंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। ठीक है बेटा, तो ये भी पाया गया। तो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन बेटा। तो अब यहाँ से देखो, अभी तक इतना पता लगा है कि अगर सरफेस में इरेगुलरिटी है, सरफेस प्लेन नहीं है, पॉलिश नहीं है, तो बेटा फ्रिक्शन वहाँ बढ़ेगा, वहाँ फ्रिक्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं बेटा मॉडर्न व्यू, मॉडर्न डेफिनेशन क्या, आज की डेफिनेशन क्या आई, फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है बेटा। तो मॉडर्न व्यू की बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। मॉडर्न व्यू क्या कहता है भाई, कहता है कि फ्रिक्शन अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रोम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ये डेफिनेशन क्या कहती है, मान लीजिए ये क्या थी बेटा, आपकी फर्स्ट बॉडी थी, लीजिए ये कोई फर्स्ट बॉडी थी, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए सेकंड बॉडी का, ये सेकंड बॉडी का कॉन्टैक्ट हो गया भाई। तो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दोनों कॉन्टैक्ट पे, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है बॉडी की। तो कहता है कि होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे कोई लोक नहीं लगता भाई। होता क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट बॉडी का जो मॉलिक्यूल है, एटम है, दूसरी बॉडी का जो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, बॉन्ड। तो कौन सी फोर्सेज है यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पे स्ट्रोंग अटोमिक और दूसरा क्या बोला उसने, मोलिकुलर फोर्सेज है। क्या बेटा, मोलिकुलर फोर्सेज,
स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज है बेटा दोनों सरफेसिस के बीच में, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी की वजह से बॉडी एक दूसरे के पास क्या नहीं कर सकती बेटा, मूव नहीं कर सकती। तो मॉडर्न व्यू कहती है कि फ्रिक्शन अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा बिटवीन द टू सर्फेसिज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और उस स्ट्रॉन्ग अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से बेटा क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है बेटा। ओके, तो फिर जो भी इसके रिजल्ट आए थे बेटा इस थ्योरी के मॉडर्न व्यू के सारे सेटिस्फाइड हो गए थे बेटा। इसमें ये भी पाया गया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो बेटा जो इसने पॉइंट बोला वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली सही मिला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी यही पाया गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, सिमिलरली समूथ प्लेन के बारे में भी इसने बात की बेटा। तो जितनी भी बातें थी इसकी मॉडर्न व्यू थे सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए गए बेटा। और बाद में फिर इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं या बॉडी एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करती है या मूव करती है बेटा, तो उनके जो दोनों बॉडीज के जो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं बेटा उनके बीच में फोर्स आ जाती है। उस फोर्स का नाम क्या बेटा, अटोमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। और उसी की वजह से बॉडी क्या नहीं कर सकती बेटा, मूव नहीं करती। ओके, तो बेटा ये था आपका फ्रिक्शन के बारे में कुछ ओल्ड और व्यू डेफिनेशन बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।